भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय युवा स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने भारत के लिए वनडे करियर का तीसरा शतक जड़ते हुए सनसनी मचा दी है। शुभमन गिल ने श्रीलंका के विरुद्ध खेले गए अंतिम वनडे मुकाबले में भी शतक जड़ा था और ये शुभमन गिल का लगातार वनडे क्रिकेट में दूसरा शतक है। 2023 शुभमन गिल के लिए भी उतना ही खास रहा जितना भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए। शुभमन गिल ने आज एक बार फिर से तेजी से अपने शतक को अंजाम दिया। बल्लेबाज ने मात्र 87 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन पूरे किए। आपको बता दें कि शुभमन गिल के अलावा बाकी भारतीय बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम इंडिया 200 रन भी पूरे ना कर सकी, लेकिन उससे पहले ही शुभमन गिल ने अपने सैकड़े को अंजाम दे दिया। 100 रन बनाने के लिए शुभमन गिल ने 15 चौके और 2 छक्कों की सहायता ली। आपको बता दें कि शुभमन गिल वनडे में अब तक 3 शतक लगा चुके हैं, लेकिन बल्लेबाज ने 20 मुकाबले भी नहीं खेले हैं। इतना ही नहीं, भारत के लिए पहले 19 मैचों में शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। शुभमन गिल अब तक 19 वनडे पारियां खेल चुके हैं और इस 19 वनडे पारियों में बल्लेबाज कुल 8 बार 50 से उससे ज़्यादा रनों की पारियां खेल चुके हैं। आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल का औसत 66 से भी ऊपर का है। टेस्ट क्रिकेट में भले ही शुभमन गिल के औसतम रिकॉर्ड हो, लेकिन वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल एक उभरता हुआ सितारा बन के नजर आए हैं। शुभमन गिल की इन्हीं शतकीय पारियों की बदौलत बल्लेबाज आसानी से वनडे वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। शुभमन गिल ने आज एक बार फिर से न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। अपना पहला 50 रन पूरे करने के लिए शुभमन गिल ने जहां काफ़ी समय लिया, तो वहीं 50 रन पूरे करने के साथ ही तेजी से बल्लेबाजी करते हुए गिल ने अपने शतक को अंजाम दिया। देखना दिलचस्प रहेगा कि शुभमन गिल आने वाले समय में कितने और रन बना पाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।